न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है। देवरिया जेल के डिप्टी ज्वेलर सस्पेंड कर दिए गए हैं। डिप्टी ज्वेलर समेत 4 जेलकर्मी भी सस्पेंड हुए हैं। जेल अधीक्षक दिलीप पांडे पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं और ज्वेलर मुकेश कटियार पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। एडीजी जेल की रिपोर्ट पर यह एक्शन लिया गया है। न्यूज नेशन की खबर का असर साफ तौर पर देखने को मिला है। जिला जेल में कारोबारी से मारपीट का आरोप है और अतीक अहमद और उसके गुर्गों पर आरोप लगा है। अतीक अहमद को बरेली शिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, देवरिया जेल से बरेली जेल में शिफ्ट किया जाएगा। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जेल के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने की जांच के आदेश दिए गए हैं। और जेल से कैसे चल रहा था अतीक अहमद का वसूली राज और कैसे कारोबारी से की गई थी मारपीट, आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। चेहरे पर चोट के निशान, जख्मी हालत में उंगलियां और आंखों में तैरता खौफ का मंजर, यह है लखनऊ के रियल एस्टेट के कारोबारी मोहित जायसवाल, जो दहशत के साए में जीने को मजबूर है। उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा, मेरी उंगलियां तोड़ दी गई, मेरे पीठ पे निशान है, मुझे लाठियों से मारा गया। मारने के बाद मुझे ये कहकर छोड़ दिया गया कि मैं तुम्हें जेल के अंदर मार नहीं सकता, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा मरवा देता। आरोप है कि 26 दिसंबर को सुबह करीब 7 बजे मोहित जायसवाल को उसी की एसयू में अगवा कर देवरिया जेल लाया गया। आरोप है कि मोहित को 4 घंटे से ज्यादा जेल के अंदर रखा गया और इस दौरान उससे मारपीट कर जबरन प्रॉपर्टी और कंपनी से जुड़े दस्तावेजों पर साइन कराए गए। 26 तारीख को जब मुझे घूमतीगढ़ से देवरिया जेल ले जाया गया तो रास्ते में मैं कुछ समझ नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हो रहा। मेरा मोबाइल ले लिया गया, मैं देवरिया जेल पहुंचा। देवरिया जेल पहुंचने के बाद मुझे जब अंदर मैं गया तो मुझे किनारे बैठा दिया गया। किनारे बैठाने के बाद मेरा जो स्टाफ था उसको भी, वो भी वहाँ मौके पर था, उनके पास सारे हस्ताक्षर थे, सारे पेपर थे। उन्होंने कहा कि इस पेपर पर साइन करो, मैंने उस पर आपत्ति दिखाई तो उन्होंने मुझे मारा पीटा, कहा जो कह रहा हूँ उसको करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने सारे पेपर पे अपनी जान बचाने के लिए मैंने सारे पेपर पे साइन किया। आरोप है कि मारपीट के दौरान अतीक अहमद, उसका बेटा उमर अहमद और उसके गुर्गे मौजूद थे। जेल से निकलने के बाद मोहित को अतीक के गुर्गे एक दूसरी कार में लखनऊ के आलमबाग स्थित घर से 100 मीटर पहले छोड़ गए। मोहित का आरोप है कि देवरिया जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद ने 2 साल पहले उन पर धन उगाही का दबाव बनाया था। डर के कारण पीड़ित ने उस वक्त रुपये दे दिए थे। अब पीड़ित ने बाहुबली नेता अतीक अहमद के साथ हुई बातचीत को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने का दावा किया है। आरोप है कि इस ऑडियो में अतीक अहमद उसे डरा धमका रहा है। आइए तो कुछ ऐसा कर कर आगे आइए, कुछ वोट पाइए, ऐसा ना हो कि आपका एक पैर एक हाथ टूट जाए, समझे भाई। हम सोमवार को पैसा इकट्ठा करके आएंगे कि आपका मूड सही हो जाए और जो भरोसा टूटा है आपका। नहीं, आप तो कोशिश ये करिए कि जितना अवॉइड हो सके हमारे सामने आप ना पड़िए। बात समझिए आपको, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, मतलब आप अवॉइड करिए कि आप हमारे सामने ना पड़िए। आप भाई आप बड़े हैं, आप हमको मार लीजिए कोई हमें। और दूसरी बात ये है कि आप हमारे आप मार भी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लड़के नहीं, मार के चक्कर में आप न पड़िए। अभी ना आप मार जानते हैं ना मार का हाल जानते हैं, मार वो सच्ची आसान चीज है ना, ये सब बात न करो। गुस्सा आप शांत कर लीजिए हमारे ऊपर, हम पैसा लगे हैं। तो हम चक्कर में कहा हो, बात समझे। सुनो, हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो लड़के कह रहे हैं वो काम आप करिए। हम इतनी जवान आपको दे रहे हैं कि मूड हमारा सही हो गया तो हम आपको फिर से आपको वही दिला देंगे, वही सम्मान दिला देंगे। लेकिन फिलहाल लड़के जो कह रहे हैं उनकी कोई बात आप काटिए मत, हमारे पास कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जो कह रहे हैं वो आप करे जाइए, इसी में आपकी आपके परिवार की भलाई है। मीडिया में मामला सामने आने और आरोपी की तहरीर पर अपहरण मारपीट और फिरौती की धाराओं में 6 नामजद और 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर मोहित की कार भी बरामद कर ली गई है। देखिए, एक मोहित जायसवाल जी है, उन्होंने मुकदमा पंजीकृत कराया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि वो प्रॉपर्टी उनको ले जाया गया और अगवा करने के बाद उनके साथ में कुछ पेपर साइन कराए गए, धोखाधड़ी कराई गई, साथ ही साथ एक्सटॉर्शन की भी बात उन्होंने बताई है। समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, उसमें 2 लोगों को अरेस्ट करके जेल भी भेजा गया, एक का नाम इरफान है, एक का नाम गुलामुद्दीन है। अतीक अहमद पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद देवरिया जेल में छापेमारी की गई, वहीं मामले की रिपोर्ट
उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। साथ ही दूसरे आरोपियों की तलाश की जा रही है। भारी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स और सारे बैरिक्स की तलाशी की गई है और इसमें एक महत्वपूर्ण इशू है कि जो कुछ सीसीटीवी की जो रिकॉर्डिंग है उसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है, उसको हम लोगों ने संज्ञान ले लिया है। सूत्रों की माने तो बाहुबली अतीक अहमद देवरिया की जेल से ही अपना साम्राज्य चलाता है। पहले भी उसकी बैरक से तमाम आपत्तिजनक वस्तुएं, मोबाइल, सिम और चाकू बरामद किए जा चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन।